अब देखो जाने का कारण ये दोनों है। बाहर इतनी धूप हो रही है पर बारिश पक्का आएगी, बस हमें ये डर है हम भीग के आएंगे आज। तो दोस्तों कहते हैं ना देहरादून के मौसम कुछ पता नहीं रहता है, कुछ भी बात। यहाँ पर पे देखो नदी भी आने लग चुकी है, इतनी तेज बारिश हो रही है ना। और देखिए यहाँ पर पे थोड़े बहुत यात्री हैं आज। अब देखिए पानी का जल स्तर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही दिक्कत रहती है, बह सकते हैं इसे पूरा, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पे देखिए पूरा मलबा नीचे आ रखा है रोड का, लेकिन पूरा यहाँ से देखो भूस्खलन हो रखा है। और बरसात के समय में देखो ऐसा हाल हो जाता है बिल्कुल ना। क्या करे, पहाड़ दिखने में सुंदर होते हैं लेकिन ऐसी चीजें देखने को मिलती ही है। छोटा सा झरना आ रहा है और ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से आ रहा है पानी, और इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत हरा भरा है। ऊपर पहाड़ों के सुंदर नजारे देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से आगे जाकर के द्रोणा गुफा भी है, जहाँ पे कहते हैं कि वो पानी आता है जिनमें सल्फर के तत्व रहते हैं। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए नए दिन की शुरुआत मेरे साथ विदेव उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर देहरादून से। तो दोस्तों आज जल्दीबाजी में इंट्रो करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारी बारी आ चुकी है यहाँ से मार्केट जाने की। हम लोग जा रहे हैं घंटाघर की ओर, और इतनी देरी हो रही है ना। और देहरादून का मौसम की बात की जाए, वहाँ देखो इतनी धूप लग रही है, चटक घाम लग रही है, और बहुत गर्मी हो रही है। उसी हिसाब से उमस इतनी हो रही है कि पूरा पसीना ही पसीना आ रहा है मुँह पे। लेकिन मार्केट भी जाना ही है, और मार्केट जाना है इन दोनों को। और अभी ना यहाँ पे हमने ताला लगा दिया है, तो जेरी देखो कैसे देख रहा है यहाँ से। हेलो जेरू, बाय बाय। अब देखो जाने का कारण ये दोनों है। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम, कैसे हो आप सभी? आशा करते कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है। तो आज इतनी जल्दीबाजी में सारा काम हो रहा है ना। हेलो दीदी, प्रणाम, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो अब ना दीदी और मम्मी को शॉपिंग करनी है घंटाघर, तो इन लोगों को जाना है घंटाघर, और मुझे भी जाना है वहाँ तक। आज बाहर इतनी धूप हो रही है पर बारिश पक्का आएगी, बस हमें ये डर है हम भीग के आएंगे आज तो भीगे, जैसे उस दिन भीगे थे ना दीदी, वैसे भीगेंगे। और दीदी भी पसीने से लथपथ हो रही है, मम्मी भी। चलो इनको मैंने मौखमपुर छोड़ना है पहले, चलो फटाफट चलो। अब इन दोनों को बाहर मौखमपुर तक छोड़ना है, ये लोग विक्रम में जाएंगे, अब सचिन की स्कूटी में छोड़ेंगे। चलो तो बैठो बैठो ये भाई, क्या करना तुम करना, बैठ ये बैठी। अब देखो ऐसा स्ट्रगल है, ऐसे बैठना पड़ रहा, बोला सीट गर्म हो रखी है, चले तो चलो। हम लोग मौखमपुर तो पहुंच चुके हैं, बड़ी दुविधा ये है कि यहाँ पे विक्रम ढूंढना है। अब विक्रम मिलेगा और ये लोग जाएंगे सीधा रिस्पना की ओर। और कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है, क्या बोले, गर्मी से कुछ नहीं बोल सकते भाई ना। ये है हमारे मौखमपुर का पुल, सब लोगों को मैं वीडियो में दिखाता ही रहता हूँ, ये हाईवे भी है। अब ये लोग तो यहाँ पे वेट करेंगे विक्रम का, मैं चलता हूँ सचिन के पास। चलो तो बाय बाय, अच्छे शॉपिंग करना वहाँ, मिल दो मेरे को दिखाना क्या क्या लिया। बाय बाय। चलो भाई ये लोग तो चले गए, इनको विक्रम भी मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, सचिन भी मिल गया। हेलो सचिन, क्या हाल चाल? बढ़िया यार। तो दोस्तों कहते हैं ना देहरादून के मौसम कुछ पता नहीं रहता है, कुछ भी होता है यहाँ पर पे। अभी तक इतनी तेज धूप हो रही थी, और देखिए बारिश होने लग चुकी है, हम भीग भी रहे हैं। और अचानक से हमारा प्लान बना सहस्त्रधारा जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश आ गई है। और अभी हम थोड़ा माल देता साइड है, यहाँ पर पे देखो नदी भी आने लग चुकी है, इतनी तेज बारिश हो रही है ना, पूरा नदी आ रही है, पूरी मतलब बरसात का पानी है। और ऊपर साइड पूरा ये ना माल देवता का एरिया है, तो जिस जिसने देखा कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन देखो कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, हरे भरे, बहुत ही बढ़िया। उसी प्रकार से बारिश भी हो रही है वहाँ, देखो बहुत ही सुंदर। लेकिन यार हम भीग भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कि बिल्कुल नहीं भीगे हैं, कहीं कहीं पर बहुत तेज़ हो रही है, कहीं कहीं पर कम हो रही है। और सचिन तो पूरा ही भीग गया है, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था ना। क्या कह रहे थे सचिन? क्या कह? सामने के सुंदर नज़ारे देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और अभी हम आ रखे हैं सहस्त्रधारा, यहाँ से थोड़ा सा आगे रह चुका है बस, ये पुल पार करके सहस्त्रधारा है। और देख सकते हैं नदी कैसे आ रही है उफान में, और कितना मटमैला रंग है, तो मतलब ऊपर साइड ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन ऊपर के गाँव देखो, पहाड़ देखो, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे। और यहाँ पे देखो कितना तोड़फोड़ हो रखा है, रोड कैसी हो रखी है, पूरा ये भूस्खलन हो रखा है, और ये पूरा नीचे जा रखा है। अब देखिए बरसात से ना ये पूरा एरिया नीचे आ गया है, और पूरा गिर गया वहाँ पर पे, और कैसा हो रखा है। अब ये बरसात तो ये वाला जो टूटा था पहले 2021 में टूटा था, लेकिन अभी आजकल में भी ये बहुत टूटा है बरसात के कारण, और हर बरसात में टूटता ही रहता है। देखिए भारी बरसात के कारण यहाँ पे पूरा पानी भर चुका है, और कैसा हो रखा है, पूरी रोड पे ऐसे हो रखा है, पूरे रास्ते पर ऐसा ही है यहाँ पे। तो
यहाँ पर पे देखिए सहजदारा का पुल है और देखिए ऊपर ना बहुत तेज बारिश हो रही है तो पूरा पानी आज बहुत आ रखा है, बहुत ही ज्यादा। देखो जो बहाव है पानी का बहुत ज्यादा है। और देखिए यहाँ पर पे थोड़े बहुत यात्री हैं आज, वैसे ना सीजन के टाइम पे बहुत रहते हैं लेकिन बरसात में यहाँ पे आना ना बेकार रहता है, लेकिन इस टाइम पे अभी कोई भी नहीं है। और ऊपर पे देखिए वहाँ पर पे पूरा कोहरा लग रखा है, हमारी गढ़वाली भाषा में उसे कोहेड़ कहते हैं। अब देखिए पानी का जलस्तर तो बहुत ज्यादा है लेकिन इस टाइम पे बहुत ही दिक्कत रहती है, बह सकते हैं इसे पूरा क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है और इस टाइम पे ना पानी में आने को मना रहता है वैसे तो। देखिए वहाँ पे लोग हैं ना तो डेंजर है पूरा, वहाँ पे जाना इस टाइम पे बहुत ही बेकार है। तो कभी अगर आप बरसात के टाइम पे यहाँ पे आए ना तो कभी भी पानी में ना जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हम लोग तो खैर ऊपर तक के लिए ही आए हैं, केवल देखने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि अचानक से प्लान बना है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे बारिश भी हो रही है और भीग भी गए हैं तो हमने कहा थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। वैसे धूप आ रही थी ना, हमने सोचा कि धूप में रहेंगे तो ठीक रहेगा, गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन पूरा प्लान ख़राब हो गया और इतनी बारिश हो रही है ना और पानी का बहाव भी इतना है तो नहाएंगे तो क्या ही इसमें। और वैसे भी मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है तो मुश्किल ही है नीचे जाना, लेकिन आए कि सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी दिनों बाद एक नई ट्रिप पर जा पाया हूँ। यहाँ पर भी देखिए पूरा मलबा नीचे आ रखा है रोड का और आगे की तरफ ना रोड बना रखी है, लेकिन पूरा यहाँ से देखो भूस्खलन हो रखा है और कैसा हो रखा है। और बरसात के समय भी देखो ऐसा हाल हो जाता है, बिल्कुल ना क्षतिग्रस्त हो जाता है, बहुत ही खराब। क्या करे, पहाड़ दिखने में सुंदर होते हैं लेकिन ऐसी चीजें देखने को मिलती ही है। लेकिन देखिए यहाँ के सुंदर नजारे भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर भी देखिए छोटा सा झरना आ रहा है और ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से आ रहा है पानी, और इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ही साफ है। नीचे तो पूरा मटमैला है लेकिन यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया है, सफ़ेद रंग का बिल्कुल। अब ऐसा है ना ये पहाड़ का पानी है, बिल्कुल ओ ऊपर आ रहा होगा जड़ों से या फिर ऊपर नदी का स्रोत होगा ना प्राकृतिक, वहाँ से आ रहा होगा। अब देखिए पूरा पानी यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और देखिए कितना फोर्स से जा रहा है पूरा पानी वहाँ तक। तो आज जाना कहाँ था और पहुँच कहाँ गए हैं पता नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे और ऐसे मौसम में आएंगे, लेकिन इतना बढ़िया है ना आज की ट्रिप, बहुत ही सुंदर है, मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर पे आकर के। बिल्कुल यहाँ पे बहुत हरा भरा है और बहुत ही सुंदर, ऊपर पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और ऊपर से ना पूरे बादल बादल लगे, कोहरा लगा है पूरा ऊपर वहाँ तक, तो ये जो पूरी घाटी है ना बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। वैसे देहरादून में सहजदारा साइड ना बहुत पानी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है और जो पानी है पूरा प्राकृतिक स्रोत से आ रहा है, ओ ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक, बट इधर नहाने का नहीं होता है। वैसे तो साफ पानी है लेकिन सारा पानी नीचे नदी में ही मिलता है। यहाँ पे देखो कितना पानी आ रहा है, हमारी साइड ना ऐसा बोलते हैं छुया फूटता है ना तब इतना पानी आता है पहाड़ों में। चलो भाई आज की ट्रिप तो यहाँ की कंप्लीट हो गई, अभी मैंने गाड़ी लेने जाना है यहाँ से, तो गाड़ी लेकर के आगे चलते हैं अपने घर की ओर। अब देखिए कहते हैं सहजदारा में यहाँ पर पानी आता है जिनमें सल्फर के तत्व रहते हैं और कहते हैं कि उससे ना बिल्कुल स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, लेकिन वो आगे की साइड जाके, अभी तो बहुत बारिश हो रही है ना तो अभी पानी का पता नहीं है, तो हम चल रहे हैं घर की ओर, लेकिन किसी दिन जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे वहाँ पे। और यहाँ से आगे जाकर के ड्रोणा गुफा भी है जहाँ पे कहते हैं कि वो पानी आता है, मैंने एक दिन व्लॉग बनाया तो वो जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। और जैसे कि पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, आपने लाइव देखा होगा कल मेरे को, और मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार का था। अब देखिए एक गरीब यूट्यूबर का सेटअप मतलब मजाक कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक ढंग का ट्राईपॉड नहीं है और तकिया लगानी पड़ी। अब आप बोलेंगे ट्राईपॉड है तो, अब इस ट्राईपॉड की हालत दिखाऊं, ये है 2016 का, ये देखो इसके ये हाल हो रखे हैं, इसका यही निकल रखा है और इसका तो ये स्टैंड ही नहीं है, टूटे हुए, इसलिए इस पर तकिया लगानी पड़ रही है और ऊंचाई के लिए। बाकी वैसे ठीक ठाक काम कर रहा है लेकिन ये बहुत ढीला हो गया, ये तो मेरा नया है। और बिना स्ट्रगल के क्या है इस लाइफ में, कुछ भी नहीं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सबको करना है, एक ना एक दिन सफलता सबको मिलती ही है। आज का दिन इतना थकावट वाला रहा है ना, बहुत थक लग चुकी है, लाइव भी आया, अब वीडियो एडिट भी करनी है, बहुत सारे काम हैं, आज बाहर भी गए। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सबसे बढ़िया आपको आज का पार्ट क्या लगा वो भी बताना है। अब यहाँ पर भी देखिए मम्मी तो आराम से बैठ रखी है, हेलो 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 दोस्तों,
और आज मार्केट गई थी मैं, तो क्या करे वहाँ पे ये शिवम वगैरह तो आए नहीं। शिवम वगैरह हाँ, इनके लिए बोला था हमने, मैं वो गई थी सपना, और हमने बोला था इनको पीछे से कि तुम भी आ जाना, और ये लोग नहीं आए, क्या बोलते हैं ये नहीं आए, इनके वेट करते करते। और हमें जहाँ जो जो दुकान में हमने जाना था, सपना ने देखा था किसी ब्लॉगर ने वो करा था, मतलब उसकी उसने वो देखा था कि वहाँ अच्छा है, तो वहाँ जाना था इनको मार्केट में देखने के लिए। अभी बताओ लोगों को कि हम क्यों नहीं आए, और बारिश की वजह से नहीं आए तुम। अब हमारा प्लान बना था वहाँ जाने का, लेकिन हाँ, फिर बीच में बारिश आ गई थी, और फिर सचिन के भाई के पास जाना था मैं काम से, इसलिए नहीं हम भी जैसे यहाँ से गए पहले, मतलब मिल गई हमें एकदम से, मिल गया था है ना विक्रम, मिल गया था हमें रिश्वना से, और विक्रम में गए क्योंकि मैं तो अब मतलब विक्रम में पता नहीं कितने साल बाद गई मैं, मतलब 10-12 साल बाद गई होंगी विक्रम में, हमें हमेशा उसमें जाती है अपनी गाड़ी में। और क्या बोलते तो हम वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, फिर हम दुकान में सारे ढूंढते सपना में, हमारा वहाँ नेट ही नहीं चल रहा, इतनी परेशानी हो गई, हमें दुकान ही नहीं मिला, हम लोगों को पूछते तो हमने बोला कि वो दुकान धामा वाला मार्केट कहाँ पे है ना, पूछा किसी को कि वो दुकान मिल गई। अब ये बताओ आपने क्या पसंद करा वहाँ पे भाई, दुकान तो मिल गई, और सपने ने अपनी मम्मी के लिए अपने लिए साड़ी सूट वगैरह बहुत सारी चीज लिए वहाँ पे, और मेरे को भी पसंद आई रेड कलर की साड़ी। और वहाँ पे शिवम ने बोला कि मम्मी आप ले लो, मैं गूगल पे कर दूंगा, तो और नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे वहाँ पे नेटवर्क, तो इसलिए मैंने हमने ऑर्डर कर दी, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी था ना, हाँ। दोस्तों ऐसा था ना, जहाँ मैं जा रहा था आप लोगों को बताया कहाँ गया था, अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे नेटवर्क बारिश के कारण मैं फोन नहीं उठा पाया, और फोन जेब में था, अब भीग जाते इसलिए नहीं कर पाए, और डिग्गी के अंदर रख रखा गाड़ी के, तो नहीं हो पाया, नहीं उठा पाए, और नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। बट मैंने मम्मी को बोला कि आपको जो साड़ी पसंद आ रही है आप पसंद कर लो, उसके बाद देख लेंगे, आपको जो पसंद आएगी मैं दिला दूंगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है देखते हैं। अब मम्मी को कैसी पसंद आई मुझे कुछ नहीं पता है, क्या हुआ ले ली पसंद का ऑर्डर कर ली, तो मैंने कहा वो शिवम मतलब आएगा तो ले आएगा साड़ी। तो कुछ दिन बाद मैंने जाना है मार्केट, और मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर के आना है, उसका ब्लॉग भी जल्दी आएगा, खुश हो? बस ये है, मम्मी को खुशी आती है। ऐसा होता है ना, मम्मी पे पैसे नहीं थे उतने वो साड़ी लेने के लिए, तो मेरे पे तो थे लेकिन उस टाइम पे नहीं थे, तो मैंने कहा कि अब एक दो दिन बाद ले लेंगे। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें और सामान भी लिया ना, सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, तो नहीं हो पाता ना। अब ऐसा नहीं है कि घर भी देखना है भाई, शिवम के उससे गई थी ना कि शिवम और आएंगे हमारे साथ, ये कई बारिश में अटक गए। अरे ऐसा भी है ना कि भाई घर की चीजें भी देखनी होती है, कि एकदम से जाकर कपड़े ही नहीं ले सकते ना हर टाइम, तो ले नहीं रही थी मैं। फिर शिवम ने बोला मुझे कि नहीं मम्मी ले लो, चार ऐसा है ना, मम्मी दीदी का गई थी देखने के लिए, और फिर ऐसा होता है कि यार अपना भी मन करता है लेने का। कि औरत कैसी होती है, कितनी साड़ी भी रहे फिर भी मतलब मन ललचा जाता है कि ना। चलो कोई नहीं यार, मम्मी को गिफ्ट दे देंगे जो पसंद आएगा। अच्छी थी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपल सी है, सोबर सी साड़ी है रेड कलर की। और कुछ टाइम पहले कमेंट भी आया था कि आप अपनी मम्मी को मार्केट लेकर के जाना, और उनके लिए कुछ कपड़े कुपड़े खरीदना, हम आपको पैसे भेजेंगे गिफ्ट के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उन्होंने कहा था, और मम्मी को मैंने बताया नहीं। ऐसा कमेंट आया था अभी आज की ही वीडियो में पढ़ा था मैंने, बहुत लेट पढ़ा, तो अब तो हम चले गए, फिर ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उनको नंबर देता फिर वो पैसे देते, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। बट आपके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोला हमारे लिए वही गिफ्ट बहुत है, आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं हमारे लिए वही गिफ्ट है बस। मैं तो यही बोलती हूँ, मतलब ये नहीं होता कि कोई गिफ्ट दे तभी हम वो करेंगे, मतलब दिल से आप अपना मानते हो और सपोर्ट करते हो, वही बहुत गिफ्ट है हमारे लिए। बाकी फिर ऐसे ही काफी लोग पूछते हैं आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में जाकर के @DMKishoreBlogs में जाकर सर्च करिएगा, तो वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं। चलते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जाकर के जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।